उसके पास पेस है, लेकिन वो ना जिस तरह टेप बॉल में लाइन लेंथ में करते हैं ना, उसमें लाइन लेंथ पे उसको लगता है कि हार्ड बॉल में भी यही चलेगा, लेकिन वो नहीं कर पाता, इसीलिए उसको स्कोर डेथ ओवर में ज़्यादा पड़ता है। देखा जाए तो हाँ, शाहीन के पास जो है ना पेस है और उसके स्विंग भी है, बुमराह के जो है ना यॉर्कर बहुत अच्छे हैं। एज कम्पेयर बैटिंग के तो हमारी बॉलिंग अच्छी है इंडिया से। अच्छा, यानी उनके फास्ट बॉलर 2015 से पहले की खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम देखें ना जो अपने पाकिस्तान हमारे बॉलर हैं अच्छे हैं। पाकिस्तान दुनिया की मानवीय टीमों में से एक टीम है और इंशाल्लाह स्पेशल T20 में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इन्हें बीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मोहम्मद सलमान ताही लॉरीफर स्पीस की वर्ल्ड कप सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप हमारे इस चैनल पर बड़ी स्पोर्ट्स वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, मुस्तफ़ हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स का और मुस्तफ़ स्पोर्ट टीम्स का, किस टीम का स्क्वाड मजबूत है, किसका कमज़ोर है, किस टीम के पास अच्छे प्लेयर्स हैं कंपैटिबल, किस टीम के पास कंपैटिबल प्लेयर्स नहीं है। यानी कि जाते वर्ल्ड कप में सभी तैयार होकर है, लेकिन कंपैरिजन करना बनता ही, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो एक टीम की सपोर्ट में लोग बोलते हैं और एक टीम के अगेंस्ट बोलते हैं। लेकिन जो आज आपका हमारा सवाल है वो पाकिस्तान और भारत की बॉलिंग लाइनअप के बारे में है, फास्ट बॉलर्स के बारे में है। पाकिस्तान के पास जिस वक्त 3 फास्ट बॉलर्स जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो जो खेलेंगे टीम में बड़े ही इनफॉर्म के हैं, और दूसरी तरफ भारत की टीम के जो फास्ट बॉलर्स हैं दे आर वेरी कंपेटेबल, एक्सपीरियंस भी है उनके पास और फॉर्म में भी हैं। भारत के जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं जिनमें जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी, पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है और हसन अली है, इनका कंपैरिजन क्या है, हम पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि उनका कौन सा पेयर उनका फेवरेट है, इन तीनों में से कौन उनको, इन दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर पाकिस्तानियों का फेवरेट है और क्यों, क्या वजह है कि वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये राय आप तक पहुँचाते हैं। अगर आपने लॉरीफर स्पीक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? आसिम। बुरहान भाई माशा साहब ने हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है, बैट्समैन यानी कि बॉलर है आप, इसका मतलब स्पिन के फास्ट? नहीं, नहीं, बॉलर तो नहीं, मैं बैट्समैन हूँ। ठीक है, आपका फेवरेट? फेवरेट शाहिद अफरीदी। लाला, लाला तो रिटायर हो गया, लेकिन लाला कभी रिटायर नहीं हो सकता? नहीं, रिटायर नहीं हो सकता बिल्कुल, अच्छा हमारे दिलों में रहेगा। ठीक है, हमने तो उनको देख के क्रिकेट स्टार्ट की है। पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान का जो पहला मैच इंडिया के साथ है, और आपको पता है ये बहुत बड़ा मैच होता है, सबकी नज़र इस पर होती है। अब आप ऐसे फास्ट बॉलर मुझे बताइएगा, पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है स्पेशली फास्ट बॉलर्स हमारे पास जो है और इंडिया के पास जो है बड़े कंपेटिबल है। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह है, उनके पास भुवनेश्वर कुमार है और उनके पास मोहम्मद शमी है, इनके ऑपोजिट हमारे जो है शाहीन शाह है, हसन अली, हारिस रऊफ है, कौन से आपको डेंजरस लग रहा है, कौन सी टीम के फास्ट बॉलर्स खतरनाक हैं? इंडिया जो अब लीग खेल रहा है अपनी IPL लीग, उसमें जो बुमराह है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हाँ जी उनको फ़ायदा होगा। हमारा जो है वो जो रऊफ साहब हैं वो बहुत आला बॉलर है, उन्हें लाजमी खिलाना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में जो हारिस रऊफ को लाजमी खिलाना चाहिए? हारिस रऊफ को लाजमी खिलाना चाहिए। मुझे तो वैसे दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आपने हारिस रऊफ का नाम लिया ना उसकी वजह से नहीं मैं कह सकता, नहीं तो मैं कहता कि दोनों बराबर हैं। क्या वजह सब हारिस रऊफ का, ऐसा क्या वजह है? उसके पास पेस है, लेकिन वो ना जिस तरह टेप बॉल में लाइन लेंथ में करते हैं ना, उसमें लाइन लेंथ पे उसको लगता है कि हार्ड बॉल में भी यही चलेगा, लेकिन वो नहीं कर पाता, इसीलिए उसको स्कोर डेथ ओवर में ज़्यादा पड़ता है। इसमें हमारा अच्छा है, अगर आप हसन अली और शहनशाह अफरीदी को लगा लें तो मेरे ख्याल में उनसे बेस्ट बॉलर हैं। इनके पास वेरिएशन है जो उनके पास नहीं है, उनके पास पेस ज़रा ज़्यादा है, लेकिन हमारे बॉलरों के पास लग के कर्म से वेरिएशन ज़्यादा है, इसलिए मैं अपने ही बॉलरों को कहूँगा एज ए पाकिस्तानी के हमारे बॉलर उनसे अच्छे हैं। देखा जाए तो हाँ, शाहीन के पास जो है ना पेस है और उसके स्विंग भी है, बुमराह के जो है ना यॉर्कर बहुत अच्छे हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के बाबर आजम यॉर्कर को अच्छा खेलता है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके जो फास्ट बॉलर है अच्छे फास्ट बॉलर, एक्सपीरियंस भी है और एक अच्छी क्रिकेट को उनको मिलती है। ठीक है, स्टार्ट से क्लब क्रिकेट से ले कर इंटरनेशनल लेवल तक उनको अच्छी क्रिकेट मिलती है। यहाँ पर हमारे ये है कि आप क्लब क्रिकेट को देख लें, इतनी कोई तवज्जो नहीं देता। ठीक है, ना कोई अच्छे कोच होते हैं, ना ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इंडिया के और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे में है टैलेंट, है अच्छे प्लेयर हैं और बॉलर भी अच्छे हैं, लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने टीम सेलेक्ट की है इनमें कई जो बॉलर्स थे उन्होंने ड्रॉप्स कर दिए, जैसे कि हमारे मोहम्मद आमिर हो गए, एक अच्छा है एक्सपीरियंस प्लेयर बॉलर है, वो उनको ले कर आना चाहिए था उनको, और दूसरे वहाब रियाज है। हारिस रऊफ की पेस नहीं है आपके ख्याल में? पेस है, लेकिन
लाइन लेंथ नहीं है। तो आपके बेसिक कहने का मतलब पाकिस्तान का जो ये वाला बॉलिंग अटैक है फास्ट का, अगर वो थोड़ा सा लूज है, कमज़ोर है, तो वो हारिस की वजह से? हारिस की वजह से ही है, बिल्कुल। शाहीन और हसन के बारे में क्या? क्या दोनों अच्छे हैं, हसन की भी बहुत अच्छी जा रही, उसकी जगह हारिस की जगह कोई और ले है, उससे अच्छा वाबरे आ रहा है। पाकिस्तान का हारिस को मेरे ख्याल से चांस नहीं देंगे, मेरे ख्याल से लग रहा है शायद वो हारिस मार रहा है, लेकिन फिर आप देखें ना उसको रन्स ही पड़ते हैं, मार ही पड़ती है, विकेट निकाल लेता है। इमरान खान ने कहा है कि आप विकेट लें, रन्स की खैर है, ओवर से कर लेंगे, बैट्समैन कर लेंगे, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। क्या वजह है आपको, अगर इफ़ यू हैव टू चूज़ वन प्लेयर, इनमें से कौन सा जो उस डे के ऊपर आपको लग रहा है, एज ए स्पोर्ट्स लवर, एज ए फैन, तो डेफिनेटली हम कहेंगे पाकिस्तान को हम सपोर्ट करें, लेकिन हमारे प्लेयर जो हमारे पास तीनों फास्ट बॉलर, मोहसिन का डेब्यू सबका 2015 के बाद हुआ है, इंडिया के जो जितने भी फास्ट बॉलर तीनों के तीनों दे आर प्लेइंग बिफोर 2015, उनसे पहले का डेब्यू, एक्सपीरियंस मैटर करेगा, एक्सपोजर मैटर करेगा, तो लेकिन जो हमारे पास अब है मौजूद है, अभी इनका क्या कंपैरिजन, क्या ख्याल आपको लग रहा है? अगर आप देखा जाए ना कि एज कम्पेयर बैटिंग के, तो हमारी बॉलिंग अच्छी है इंडिया से। अच्छा, यानी उनके फास्ट बॉलर 2015 से पहले के खेल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम देखें ना जो अपने पाकिस्तानी हमारे बॉलर हैं अच्छे हैं। बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है, क्लास का मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो एशियन कंडीशन में सबसे बेस्ट बॉलर है अभी भी, क्योंकि पेस है, लाइन लेंथ है, सबसे बड़ी बात है लाइन लेंथ, उसके बाद बहुत जो यानी कि बाकी जो फॉरनर हैं ना उनके पास नहीं है इन कंडीशन में। बुमराह तो बेस्ट, वो तो उनका सिग्नेचर बॉलर है ना, उसको तो वो सिग्नेचर बॉलिंग, बिल्कुल शुरू में भी उसकी लाइन लेंथ अच्छी होती है, अंदर भी आता है बाहर भी आता है बॉल। और दूसरा भुवनेश्वर आपने कहा है, वो तो वैसे ही स्विंग करता है, बकाया भी डेथ मिडल ओवर में वो शमी को यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया की मानवीय टीमों में से एक टीम है, और इंशाल्लाह स्पेशल T20 में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इन्हें बीट करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग अटैक और इंडिया ऑन द डे, ये तो खेल के कह कुछ नहीं सकते, लेकिन अगर तो ये मेरे हिसाब से हारी तो जा किसी को, फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं, क्योंकि मैंने जितना उसको देखा है ना खेलते हुए इंग्लैंड में, मैं नहीं कह सकता, अल्लाह के करम से हमारा बेस्ट है। देखा जाए तो दुबई के पीछे से सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान की PSL वहाँ पर हुई है, एक गैच पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन अब IPL भी दुबई में हो रहा है, अब ये कुछ कह नहीं सकते हम कि क्या इसको गैच जाएगा ज़्यादा। चूज वन विच पेयर, पाकिस्तान डेफिनेटली, हारिस रौफ इंशाल्लाह खतरनाक होगा इन सब के लिए। वेल दोस्तों, जैसे पाकिस्तानियों के पास हम गए तो उनकी आई यही थी, उनका कह रहा था कि दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन भारत के पास अगर जो थोड़ा सा एज है वो ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स है। पाकिस्तान के जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त लीडिंग फास्ट बॉलर्स हैं, मोस्टली उनका डेब्यू 2015 के बाद, 2015 के बाद आए हैं, लेकिन इंडिया के पास जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी है और एक्सपोजर भी है बड़े टूर्नामेंट्स का। हमारे प्लेयर्स ने एक वर्ल्ड कप T20 और एक चैंपियंस ट्रॉफी खेली हुई है, लेकिन उनके प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेजर टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, लेकिन वही बात हम करेंगे इन दी एंड, उस डे के ऊपर, उस दिन के ऊपर जो अच्छा परफॉर्म कर गया वो बाजी ले गया, जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया चाहे वो फॉर्म में क्यों ना हो, तो बैड लक फॉर द पीपल। लेकिन ये राय हमने आप तक पहुंचाई, अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किन फास्ट बॉलर्स के इन पेयर में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कीप सपोर्टिंग लाहौरी फाइट एंड बी लाहौरी फाइट।